काजपावली पुलिस ने मंगलवार को एक पतंग विक्रेता के यहाँ छापा मारा। तलाशी के उसके पास नायलॉन, मांजा और प्लास्टिक की पतंगें बरामद हुई। पुलिस ने पतंग विक्रेता बांग्लादेश निवासी सुनील शंकर राव सोनकुसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसी समय दक्षिण नागपुर में बिल्डर के रूप में पहचान बनाने वाले देवा उर्फ देवानंद शिर्के के खिलाफ सकरधरा पुलिस ने हफ्ता वसूली का मामला दर्ज किया है। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का 30 दिसंबर यानी आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। सत्ताधारी भाजपा के साथ ही महाविकास आघाड़ी और बसपा भी अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी में है। जानकारी के अनुसार दोनों के उम्मीदवार भी तय हो गए हैं। महानगर पालिका की ओर से संचालित हो रही बसों के माध्यम से भले ही करोड़ों रुपए का नुकसान होने की जानकारी उजागर होने के बाद गत समय परिवहन समिति की ओर से बसों की चेकिंग के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने का प्लान तैयार किया गया था। यहां तक कि इस प्लान को अंजाम देते हुए एक दिन केवल 2 घंटे में ही 206 बसों के औचक निरीक्षण किया गया। वर्ष समाप्ति की ओर है, लेकिन अब तक शालेय शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षा के बारे में घोषणा नहीं की गई। परीक्षा पद्धति, मूल्यमापन, मौखिक परीक्षा की पद्धति जैसे तमाम मुद्दों को लेकर पालकों सहित छात्रों में संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। घने जंगल से जाने वाले गोंदिया चंद्रपुर बल्लाशाह रेलवे मार्ग पर अब तक 50 से अधिक वन्य प्राणियों की रेल से कटकर मौत हो गई है। बावजूद इसके वन्य प्राणियों की जान बचाने की दृष्टि से उपाय योजना करने के बारे में रेलवे विभाग और वन विभाग असंवेदनशील है। परिणाम स्वरूप वन्य जीवों की जान पर खतरा बना हुआ है। MIDC परिसर के स्पेस फूड इस प्लाईवुड फर्नीचर तैयार करने वाले कारखाने को मंगलवार की दोपहर को भीषण आग लगने से भगदड़ मच गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें 1 किलोमीटर तक साफ दिखाई दे रही थी। देर रात तक आग बुझाने में दमकल विभाग जुटा रहा। मनपा के NDS दस्ते ने मंगलवार को भी अलग अलग इलाकों में मास्क नहीं पहनने वाले 141 नागरिकों के खिलाफ दंड वसूली की कार्रवाई की, साथ ही उन्हें मास्क भी दिया। इस कार्रवाई में 70,500 रूपए की दंड वसूली की गयी। पाठोड़ा थाना अंतर्गत श्रावण नगर परिसर में हफ्ता वसूली को लेकर हुए विवाद में 4 आरोपियों ने मिलकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना से कुछ समय के लिए परिसर में तनाव का वातावरण बना रहा। वाड़ी पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर तंबाकू की तस्करी करने वाले व्यापारी को गिरफ्तार किया। उससे विविध ब्रांड की 50 किलो तंबाकू जब्त की गई। पकड़ा गया आरोपी बड़गामना निवासी विष्णु प्रसाद दिलीप गुप्ता बताया गया।